फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे क्योंकि होली आने वाली है, तो आप सब ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए। आज मैं होली स्पेशल एक रेसिपी बनाने जा रही हूँ, तो मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आइए देखिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ले लिया है एक कटोरी भर के मैदा, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी आधा कटोरी सूजी, और मैंने इसको अच्छे से कर दिया है मिक्स। अब मैं इसमें मिक्स करूंगी एक कटोरी भर के क्रश किया हुआ कोकोनट, और साथ में इसमें ऐड करूंगी ढेर सारा काजू बादाम, और इसमें मैंने इलायची भी क्रश कर लिया है। देखिए मैंने इसे कर दिया है अच्छे से मिक्स। अब इसमें मोइन के लिए मैं डालूंगी घी। मैंने इसमें मिक्स कर दिया है घी मोइन के लिए। अब देखिए ऐसे बाइंड हो रहा है, तो अब मैं इसमें मिक्स करूंगी चीनी। मैंने इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स और पिसी हुई चीनी अच्छे से मिला लिया है मैंने। अब मैं इसे दूध डाल के हल्का हल्का बाइंड करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना डो तैयार कर लिया है। मैं थोड़ी देर रख दूंगी इसको सेट होने के लिए। इसमें से इलायची, ड्राई फ्रूट्स और घी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तब तक ये सेट होगा, 10 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ देती हूँ। हो गया है रेडी, और अब मैं बनाऊंगी इसके छोटे छोटे बॉल्स। देखिए मैंने इसमें किशमिश यूज नहीं किया था, क्योंकि अगर मैं किशमिश इसमें डाल देती तो किशमिश क्या होता है कि वो बहुत जल्दी सिक जाता है, बहुत जल्दी फूल जाता है। फिर जब तक हमारी ये डिश सिकती तब तक वो जल जाता। तो मैं भी क्या करूँगी, इसमें करूँगी किशमिश की स्टफिंग अंदर। अब ऐसे ही मैं ढेर सारे सारे बॉल्स बना लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मेरे सारे बनके तैयार हैं रोल बाउल्स, तो मैं अब इनको कर लूँगी फ्राई। और मेरा फ्लेम है बिल्कुल लो, क्योंकि अगर मैंने हाई फ्लेम पे इसको किया तो ये बाहर से तो सिक जाएगा पर अंदर से ये कच्चे ही रह जाएंगे, तो मैं लो फ्लेम पे इनको सेकूँगी। मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है, हमारे यहाँ इसको खस्ता कहते हैं। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक तरफ से थोड़ा सिक गया है, अब मैं इसके इसे हल्के हाथों से पलट दूंगी। ये बहुत ज़्यादा मॉइन होता है, इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करते हैं हम, तो इसको अगर हमने केयरफुली नहीं पलटा तो ये टूट सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये बनके तैयार हैं, कितने क्रिस्पी हैं ये मैं आपको तोड़ के दिखाती। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।